सीएम नायब सैनी ने कहा रंजीत चौटाला मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं रंजीत चौटाला। सीएम ने कहा 6 महीने तक पद पर बिना चुनाव लड़े रह सकते हैं। आदरणीय किसानों के मसीहा, दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 2002 से लगातार शपथ ले रहे हैं, जिन्होंने देश को एक नए विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, भारत के प्रधान सेवक के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद आदरणीय प्रधान सेवक जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो सबसे पहले फाइल के ऊपर साइन किए वो किसानों की मजबूती के लिए, मुझे आज खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को मजबूती की ओर ले जा रही है। और आज 9,26,00,000 किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया एक क्लिक के माध्यम से आज उनके खाते में पहुंचा है। हमारे हरियाणा प्रदेश के भी 15,00,000 किसानों के खाते में लगभग 356 करोड़ रुपया आज हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंचा है। बहुत सारे कार्य पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने किसानों की मजबूती के लिए उठाए हैं, किसान को सशक्त करने के लिए उठाए हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जो उनकी एक किसान को लेकर के एक सोच है कि हमने किसान को सशक्त और मजबूत करना है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को मजबूती की ओर ले जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जो उनका एक संकल्प है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है, हम भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को साकार करने में हरियाणा पूर्ण सहयोग करेगा। कहना चाहिए महामहिम राज्यपाल जी से तो कोई भी जाकर के मिल सकता है, परंतु पहले अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट करा ले। मैं ये कहना चाहता हूँ वो अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट कराए फिर आगे बात करे, क्योंकि इस प्रकार के जो बातें करते हैं गुमराह करने वाली कि आपने क्या किया है, आप क्या करेंगे, रेवड़ियां बांटने का काम ना करें। आप प्रदेश कैसे मजबूत हो, कैसे सशक्त हो, वो सुझाव तो आने चाहिए, परंतु नौकरियों के अंदर क्या हालात हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में बिजली नहीं मिलती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में था, 3-3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था ब्लैक में। करनाल से कैमरामैन युगमार्क टीवी।